बेंगलुरु में विपक्षी दलों की दूसरी बैठक खत्म। सामने आया विपक्षी गठबंधन का नाम, इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया होगा विपक्षी गठबंधन का नाम। मुंबई में होगी विपक्षी दलों की अगली बैठक, जल्द ही किया जाएगा तारीख का ऐलान। 11 सदस्यों की कमेटी और एक कार्यालय बनाने की भी हुई घोषणा। बैठक में 26 पार्टियों ने लिया हिस्सा। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होने से पहले ही पटना के लिए निकले नीतीश कुमार, लालू यादव और तेजस्वी यादव। फ्लाइट का समय होने की वजह से छोड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने इस पर उठाए सवाल। विपक्षी पार्टियों की बैठक के दूसरे दिन बेंगलुरु में कई जगहों पर नीतीश कुमार के पोस्टर लगाए गए। पहले पोस्टर में लिखा था अनस्टेबल प्राइम मिनिस्टेरियल कंटेंडर और दूसरे पोस्टर में सुल्तानगंज पुल ढहने की घटना को लेकर नीतीश कुमार पर निशाना साधा गया। इसमें लिखा था बिहार को दिया गया उपहार जो लगातार टूट रहा है। बिहार में पुल भी उनके शासन का सामना नहीं कर सकते, लेकिन विपक्षी एकता का नेतृत्व करने के लिए उन पर भरोसा करें। पोस्टर किसने लगाए पता नहीं चल सका, पुलिस और प्रशासन ने हटाए पोस्टर। दिल्ली में पीएम मोदी की अध्यक्षता में एनडीए ने साथी दलों के साथ की बैठक। बैठक में शामिल हुई 38 पार्टियां। पीएम मोदी ने बैठक से पहले ट्वीट करते हुए लिखा, ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे एनडीए गठबंधन के साथी आज दिल्ली में एकत्र हुए हैं। हमारा गठबंधन समय की कसौटी पर खरा उतरने वाला गठबंधन है, जो राष्ट्रीय प्रगति को आगे बढ़ाना और क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पूरा करना चाहता है। एनडीए की बैठक में पहुंचे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान। हाल ही में एनडीए का हिस्सा बने चिराग पासवान ने छुए पीएम मोदी के पैर। पीएम ने चिराग को लगाया गले, तस्वीरें सोशल मीडिया पर हुई वायरल। नालंदा के यज्ञशाला में मंगलवार से राजकीय राजगीर मलमास मेला की शुरुआत ध्वजारोहण के साथ हो गई। 18 जुलाई से 16 अगस्त तक चलेगा पुरुषोत्तम मास मेला। करपात्री अग्निहोत्री परमहंस स्वामी चिदात्मन जी महाराज फलाहारी बाबा ने किया ध्वजारोहण। इसके पहले ब्रह्मकुंड परिसर में मौजूद सप्तधारा में पूरे विधि विधान से संत महात्माओं और भक्तजनों ने की पूजा अर्चना। झारखंड के जमशेदपुर के कपाली में बनेगी महिलाओं के लिए देश की पहली मस्जिद। साल के अंत तक पूरा हो जाएगा निर्माण कार्य। इस मस्जिद में इमाम से लेकर दरबान तक महिलाएं होंगी और वही इसका रखरखाव भी करेंगी। इस मस्जिद के निर्माण से पहले ही कई मुस्लिम पक्षकारों ने इसका विरोध किया। उनका कहना है कि मस्जिद में महिलाएं जा सकती हैं, लेकिन इमाम एक पुरुष ही होना चाहिए। मुस्लिम धर्मगुरुओं का कहना है कि महिलाएं नमाज और इबादत एक साथ कर सकती हैं, लेकिन महिला इमाम नहीं बन सकती। उनका कहना है कि महिलाओं को ऐसा करने का हक नहीं है। उनके अनुसार सिर्फ पुरुष ही नमाज पढ़ा सकते हैं। महिला कभी भी इमाम नहीं हो सकती है। जब भी इमाम होगा तो वो पुरुष ही होगा, और ख़ुद प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जीवन में आप खुद इमाम थे। आपके पीछे पुरुष सफ लगाते थे, उसके बाद बच्चे लगाते थे, उसके बाद महिलाएं लगाती थी, और नमाज जब ख़त्म हो जाती थी तो पहले महिलाएं निकलती थी ताकि वो एकांत में वो निकल जाएं। उसके बाद पुरुष और बच्चे ठहरे रहते थे, मर्द और बच्चे, तब वो बाद में निकलते थे। इमाम बन सकती है या क्यों? महिला इमाम नहीं बन सकती है, ये खुद इस्लाम का बनाया हुआ उसूल है, मेरा बनाया हुआ उसूल नहीं है। औरत कभी भी इमाम नहीं हो सकती है, वो नमाज नहीं पढ़ा सकती है, वो मर्द के पीछे नमाज पढ़ेगी, औरत इमाम नहीं हो सकती है। समाज में बहुत गलत मैसेज जाएगा, क्योंकि औरतें इमामत नहीं कर सकती हैं। इमामत जो है मर्द ही कर सकते हैं, और उन्हीं के अंडर में सुपरविज़न में जो है नमाज औरतें पढ़ सकती हैं। औरतों का जो है मस्जिदों में जाना वर्जित नहीं है, वो मस्जिदों में जाके नमाज पढ़ सकती हैं, लेकिन मर्द के इसी में दिशा निर्देश में ही पढ़ सकती। इमामत जो है वो मर्द ही करेंगे। झारखंड में महज 21 साल की उम्र में झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन क्लियर करके अधिकारी बनी मिताली शर्मा को उनकी पहली ही पोस्टिंग के दौरान 10,000 रुपए घूस लेते हुए एसीबी की टीम ने गिरफ्तार किया। मिताली शर्मा की पहली पोस्टिंग कोडरमा जिले में हुई थी। उन्हें यहां सहकारिता विभाग में बतौर सहायक निबंधक का पद मिला था। मिताली शर्मा को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हजारीबाग की टीम ने 10,000 रुपए घूस लेते हुए रंगे हाथ उनके कार्यालय से गिरफ्तार किया। अफसर मिताली शर्मा के खिलाफ कोडरमा व्यापार मंडल सहयोग समिति के सदस्य रामेश्वर प्रसाद यादव ने एएसबी में शिकायत की थी। एएसबी की टीम उन्हें गिरफ्तार करने के बाद अपने साथ हजारीबाग ले गई।